हम चाहते हैं कि चुनाव होए। पहले भी जेलियन मार्ग को बंद करा गया था। अगर आज कुछ कार्य नहीं बनता है यहाँ पे तो हम बाद में भी महाविद्यालय के बाहर, विश्वविद्यालय के बाहर धरना देंगे और पूरे जयपुर को हम कोशिश करेंगे एक दिन के लिए बंद करने का प्रयास करेंगे। पर आज 1 लाख से ज़्यादा की यहाँ भीड़ कह रहे हैं, मिनिमम मान के लिए 70,000 बच्चे तो आएंगे, उससे भी थोड़ा बनेगा और मेरे को लगता है राज्य सरकार मानेगी। बिल्कुल जी, हनुमान जी बेनीवाल हमारे आदर्श है। मैं ये कहता हूँ मेरे ही नहीं, राजस्थान में जितने भी हुआ, राजस्थान की मैं बात करूँ तो देखी जाए तो भारत के भी अधिकतर कौन हो जितने भी हुआ है उन सभी के हनुमान जी बेनीवाल आदर्श है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार के फैसले से हर कोई नाराज है और अब छात्र संघ चुनाव स्थगित करने के कारण हर तरफ कांग्रेस सरकार से नाराजगी का आलम देखा जा रहा है। मेरे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं यहाँ पर जो अपनी नाराजगी जाहिर करने और हनुमान बेनीवाल को फुल सपोर्ट करने के लिए राजस्थान की तपती गर्मी में भी दोपहर में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आइए जानते हैं क्यों हनुमान बेनीवाल को वो सपोर्ट करने वाले हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप बेनीवाल को सपोर्ट करने के लिए आए हैं क्यों, क्या वो आपके आइडल हैं? बिल्कुल जी, हनुमान जी बेनीवाल हमारे आदर्श है। मैं ये कहता हूँ मेरे ही नहीं, राजस्थान में जितने भी हुआ, राजस्थान की मैं बात करूँ तो देखी जाए तो भारत के भी अधिकतर कौन हो जितने भी हुआ है उन सभी के हनुमान जी बेनीवाल आदर्श है। अरे जी होना भी चाहिए कि हनुमान जी बेनीवाल ऐसे जो युवाओं की आवाज़ को अच्छी तरीके से उठाते हैं, और कोई नेता ऐसा है नहीं जो युवाओं की तरफ ध्यान देता है। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए, लेकिन बेनीवाल जी ये चाहते कि अपने युवा आगे बढ़े, आगे सबको अलग अलग अधिकार मिले, अपने अधिकार मिले। लेकिन सब हनुमान जी बेनीवाल के अलावा जितने भी सब अपनी राजनीति में लगे हुए हैं, अलग अलग सब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं वहाँ सब लगे हुए हैं। एक बेनीवाल जी हैं जो अपने विधानसभा चुनाव को छोड़कर हमारे युवाओं के लिए यहाँ पे आज बैठे हैं, तो ये आइडियल ही हैं सबके लिए। आज जितने भी राजस्थान के लगभग युवा उनके लगभग सबके आइडियल है। हनुमान बेनीवाल या सचिन पायलट? नहीं जी, हनुमान बेनीवाल जी। सचिन पायलट अगर होते तो आज उनको यहाँ पे आना चाहिए था। मैं ये नहीं मानता कि सचिन पायलट की राजनीति गलत है, उनकी भी सही है, लेकिन यहाँ पे अगर हैं तो वो सिर्फ हनुमान बेनीवाल जी हैं। उनको भी अगर यहाँ पे होना चाहिए था तो मैं उनको मानता हूँ, वो भी युवाओं का आइडियल है। सचिन पायलट जो है वो खाली अपने मुख्यमंत्री की तैयारी में लग रहे हैं, उनको छात्र संघ से कोई मतलब नहीं है। अगर होते तो वो भी यहाँ पे होते। आज हनुमान बेनीवाल हमारे बीच में क्योंकि वो चाहते कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन सचिन पायलट जो है वो सिर्फ ये चाहते कि अशोक गहलोत के बाद में वो खुद मुख्यमंत्री बने, तो वो यहाँ पे नहीं है। हम इनके साथ में अपने हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल एक ऐसे नेता हैं जो आम जनता के लिए आवाज़ उठाने के लिए ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, सड़कों पर बैठे रहते हैं, चाहे से वो पहलवानों का मुद्दा हो, महिलाओं का मुद्दा हो, छात्रों का मुद्दा हो, हर अत्याचार में हनुमान बेनीवाल सबसे आगे रहते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हनुमान बेनीवाल आपके आइडल हैं? हाँ जी, आइडल है। तो छात्र संघ चुनाव जो स्थगित कर दिए तो आप सरकार से किस तरह से नाराज़गी जाहिर करेंगे? हम चाहते हैं कि चुनाव होए। पहले भी जेलियन मार्ग को बंद करा गया था। अगर आज कुछ कार्य नहीं बनता है यहाँ पे तो हम बाद में भी महाविद्यालय के बाहर, विश्वविद्यालय के बाहर धरना देंगे और पूरे जयपुर को हम कोशिश करेंगे एक दिन के लिए बंद करने का प्रयास करेंगे। पर आज 1 लाख से ज़्यादा की यहाँ भीड़ कह रहे हैं, मिनिमम मान के लिए 70,000 बच्चे तो आएंगे, उससे भी थोड़ा बनेगा और मेरे को लगता है राज्य सरकार मानेगी। आपको क्या लगता है कि आप लोग सब लोग मिलकर सरकार के ऊपर प्रेशर बना पाएंगे? हमें पूरा विश्वास है कि इस बार चुनाव होंगे और सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ेगा। क्या सरकार को ये डर था कि छात्र संघ चुनाव कर देंगे तो वो रिजल्ट्स आने वाले विधानसभा चुनावों को प्रभावित करेंगे? जरूर मैडम, अब हमारे बेनीवाल भाई साहब ना मेहनत कर रहे हैं तो उनसे डर लगता है सीएम को, इस वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए चुनाव को बंद करवा रहे हैं अभी। क्योंकि पिछली बार भी जब वो छात्र संघ चुनाव में थे तब इन्होंने एक महिला के रेप कांड पे उन्होंने पूरे जयपुर को वहाँ रोका था, उस पर भी उनको अरेस्ट करा गया और आंदोलन पे थे जिसमें भी मिनिस्टर कैबिनेट के लोग उनको आके मनाए और उनकी सारी मांगे मानी गई, तो आज भी शायद वो माने करा जाएगा। तो उनमें है वो क्या देखते हैं कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जो तीसरा मोर्चा है उसमें सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उभर कर सामने आ रही है, तो क्या आप हनुमान बेनीवाल को सीएम के फेस के तौर पर देख पा रहे हैं? बिल्कुल, अगले सीएम होंगे हमारे, कांग्रेस और अगले सीएम वही है। अब राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस कमजोर होती जा रही है और हमारे बेनीवाल भाई साहब आगे बढ़ रहे हैं, अब वही बनेंगे अगले सीएम। बीजेपी और कांग्रेस राइवल पार्टीज है, कभी दोनों साथ हो ही नहीं सकती, पर ये जब छात्र चुनाव हुए तो दोनों कैसे साथ हो गई वो तो हनुमान बेनीवाल जी का खौफ बता रहा है कि किस तरीके से लोग डर चुके हैं। वो सबको साथ लेकर जाना चाहते हैं, सबको साथ लेकर चलते एकदम, बिल्कुल ये लोग अलग अलग हो चुके हैं, बिल्कुल ही किसी का साथ नहीं। छात्र संघ चुनाव नहीं, किसी को लेकर साथ चलना नहीं आता, इनको सब साथ लेकर चलते हैं हनुमान जी। देखा आपने किस तरह से
जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो अब साफ तौर पर कह चुका है कि हनुमान बेनीवाल 36 कौम के नेता हैं, सर्व समाज के नेता हैं, और वो अपना अगला सीएम हनुमान बेनीवाल के रूप में भी देख रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा अलर्ट है। आपकी क्या राय है कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। कैमरामैन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7333990049 पर।